पहाड़ के रास्ते होकर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। पानी सूखेगा मतलब क्या बोलते हैं, इस धरती का विनाश होने वाला है। इनके चरण का छाप मिला था, तो आप लोग भी गाइस दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग गाइस जा रहे हैं मंदिर, उस मंदिर का नाम है शिवलोक धाम। तो वहाँ पे शिव बाबा हैं, मरसरी पहाड़ पर है। हाँ, वो परसों पुराना मंदिर है, तो ऐतिहासिक मंदिर है। हाँ, ऐतिहासिक मंदिर है, तो हम लोग भी जा रहे हैं गाइस दर्शन करने। रांची से जमशेदपुर वाले रास्ते में बस आधे घंटे का रास्ता है, यहाँ से नामकुम एरिया में पड़ेगा। नामकुम एरिया में है, मरसरी पहाड़ बोलते हैं। सो ब्लॉग में प्लीज कंटिन्यू बने रहिए, और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करिए। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं शिवलोक धाम। तो ये रहा जो पहाड़ के रास्ते होकर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमारा गाड़ी भी चला जाता है ऐसे करके, मगर आप पैदल जाना चाहो तो चले जा सकते हो आराम से। जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे व्यू, कुछ लोग आए हुए हैं पैदल ही चल के जा रहे हैं। तो चलो इसी रास्ते से हम लोग पहुँचते हैं मंदिर। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं शिवलोक धाम। जब हम लोग मलसरी पहाड़ पे आ रहे थे तो समझो कि बहुत ही ऊंचा पे और एकदम से फ्लैट पहाड़ है, जिसपे कि आप आराम से गाड़ी ले जा सकते हो, और बहुत लोग हैं जो पैदल भी आ सकते हैं, और आप गाड़ी भी आसानी से ला सकते हैं मंदिर तक। ठीक है, तो ये बढ़िया बात है। तो चलिए गाइज आप सभी को भी शिव बाबा का दर्शन कराते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा शिवलोक धाम का मंदिर, जो कि प्राचीन काल से बना हुआ ऐतिहासिक मंदिर है। तो चलो अंदर चलते हैं, शिव बाबा का दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर का रहा कुछ व्यू, और यहाँ पे गाइस जस्ट नंदी जी हैं। तो यहाँ पे आप पहले नंदी जी का दर्शन कर लो। तो सर इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? ये मंदिर कब बना है कोई नहीं जानता, करीब हम लोग का पीढ़ी 5-7 पीढ़ी पार हो गया, 500-700 साल पहले से भी। मैंने कब बनाया, ये विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है, किसी का मालूम नहीं है कब बनाया, कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे मतलब कौन कौन भगवान स्थापित है? शिव जी है, मेन शिव जी का ही मतलब। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, जो झारखंड के प्रादुर्भाव नहीं, ये लगभग उस टाइम में छोटा नागपुर हुआ करता था। जब ये पर्वत प्रादुर्भाव में आया, जब लोग जानने लगे, तो उससे पहले क्या था, यहाँ शंकर जी का ये जो लिंग है ये यहाँ पर पाया गया, स्वयंभू है। ठीक है, ये स्थापित किया हुआ, बनाया हुआ नहीं है, ये बनाए हुए नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जब ये पाए गए, तब गांव वाले आ करके छोटे मोटे, मतलब ये जो मंदिर है, ये जो अभी अभी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लगभग 100-150 साल पुराना है। तो मतलब ये क्या बोलते हैं, पत्थर रखा हुआ था, मतलब ऐसे पत्थर रख करके वो लोग पूजा पाठ वगैरह करते थे, तब से ये चलने लगा। फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जब यहाँ पर कुछ लोग आते गए, जैसे बुद्धिजीवी लोग, तो अभी इनका प्रचार प्रसार होने लगा, और धीरे धीरे फिर क्या बोलते हैं, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो है ना जगदम्बा आई है, हाँ, उनके पैरों का निशान है, और वहाँ पर जो है ना गरुड़ का भी निशान है। वहाँ पर भगवान विष्णु और क्या बोलते हैं जगदम्बा लक्ष्मी माँ आई हुई है। वहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ पर बनाया हुआ है, और वो जो कुंड है ना, वो कुंड का पानी सूखता नहीं है। ये अकाल पड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ये पानी सूखेगा मतलब क्या बोलते हैं, इस धरती का विनाश होने वाला है, तभी होगा, तभी मतलब ये वो कुंड है, ऐसा मान्यता है। और ये पहाड़ का नामकरण जैसे मरसली हुआ ना, ऐसे क्या बोलते हैं, सुनने में आया है, पुरखा लोग बोलता था, यहाँ जो वाल्मीकि जी थे ना, वो अपना इधर पूरा चारों साइड भ्रमण करते थे, अपना भ्रमण करते करते इस पर्वत में भी आए थे। यहाँ भी वो राम 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 का जप करते थे, तो राम राम कहने से मरा मरा होता था ना, तो मरा मरा इसी मरा के करते चलते मरसिली इस पर्वत का नाम पड़ा। मरसिली, तब से मलसिली, तब से इसका नाम मरसिली हुआ है। मरसिली राम 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 मरा ऐसे होता है ना, राम का उल्टा वाल्मीकि ब्रह्म समय, तभी से क्या बोलते हैं मरा मरा जपते थे। ठीक है, राम राम नहीं आता था, तो थे डाकू, तो जब डाकू थे तो क्या बोलते हैं, जब विष्णु भगवान के प्रादुर्भाव में आए, तो जब वो आए तो बोले कि तुम राम नाम जपो, तो उन्होंने बोला कि मुझे राम नाम नहीं आता है, तो बोला कि क्या आता है, बोला कि मारो काटो आता है, तो बोला कि मारो मारो ही करो, तो मारो 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 से
करते करते फिर राम राम आ गया। तो उसी में रामायण में एक चौपाई है कि उल्टा नाम जपत जग माही वाल्मीकि भय ब्रह्म समाही, वही वाल्मीकि जी क्या ये मारा शैली वही नाम पड़ा है। ये आज का पर्वत नहीं है, ये सतयुग द्वापर त्रेता युग काल बीतते गए। और ये क्या बोलते हैं शोम्भू का अवतार है, ये ज्योतिर्लिंग है, तब से ये चल रहा है। इसका दृश्य देखिए, ये पूरा पहाड़ जो देख रहे हैं 230 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, एक ही प्लॉट है 230 एकड़ में पूरा ज्वाइंट पहाड़, और कहीं पे ज्वाइंट नहीं है, मतलब एक मुश्त चलता गया, कहीं बीच में कट नहीं नहीं है, कोई कट नहीं। चलिए थैंक यू जानकारी देने के लिए, यहाँ आए। ये सब तो मालूम नहीं था, हम सोचे थे कि आप लोगों से जानकारी। ये जो शिवलोक धाम मरासली पहाड़ है ना, यहाँ का जो ट्रस्ट है उसका हम अध्यक्ष है, मेरा नाम दयानंद है। थैंक यू। तो चलिए गाइस दर्शन करते हैं भोले बाबा का, और आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। तैयार हो रहा था तो सोचे थे कि भगवान जी सबको लगा दीजिए, सबको ही लगा दे जाए। मित्र तुम भी ले लेना। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं कुंड के तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो शिव बाबा को जल चढ़ाएंगे ना, वो उसी कुंड से होना चाहिए जो यहाँ का कुंड है। यहाँ पे हजारों सांप रहते हैं इस कुंड में, खेलते हैं बाहर में निकलकर खेलते हैं, और लोग देखकर आनंद लेते हैं। तो गाइज यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू है, बहुत ही सुंदर। बस यहाँ पे हर जगह पे जैसे शिव बाबा समाए हुए हैं, प्राकृतिक का हर एक व्यू नज़र आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो हैं शिव बाबा का दर्शन करने के लिए हमारे शिवलोक धाम में आए हुए हैं। तो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, तो चलिए आपको ले चलते हैं कुंड के तरफ जहाँ से कि हम लोग जल उठाएंगे। तो गाइज ये रहा हमारा शिवलोक धाम का कुंड, इसी कुंड से हम लोग लेंगे अभी पानी जो कि शिव बाबा को हम लोग अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ आने के बाद अभी तक तो हमको इसके अंदर, इस कुंड के अंदर बहुत सारे मछली दिखे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ हमारे नाग देवता भी दिखे, तो कोशिश करते हैं दिखता है तो आप सभी को भी शेयर करते हैं, दिखाते हैं कुछ व्यू। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं जल, हम लोग कुंड से ले लिए जल, और इस जल से हम लोग अर्पित करेंगे अपने भोले बाबा, अपने भोलेनाथ जी का। तो चलिए मंदिर में चलते हैं, जल चढ़ाते हैं शिव बाबा को। प्रियंकागिरी ब्लॉक PIT मेसा के रहने वाले शिव मंदिर निर्माण के लिए 151 रुपए का सहयोग दिए। भगवान भोले शंकर की हर मनोकामना हर इच्छा पूरी करें। हर हर महादेव। तो हम लोग यहाँ पे जब आए उस वक्त तो इस मंदिर के बारे में हम लोगों को नहीं पता था, तो यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ के कुछ अध्यक्ष थे जो कि हम लोगों को पूरा यहाँ के बारे में बताए हैं, जो आप सभी भी सुन लेना गौर से कि शिवलोक धाम मतलब कैसे ये मंदिर का वो निर्माण हुआ, और यहाँ शिव बाबा कैसे प्रकट हुए, स्वयं ही प्रकट हुए हैं। तो ये मंदिर जो है ऐतिहासिक मंदिर में से एक है। हम लोग यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वीर जी का दर्शन करने, हमारे हनुमान जी का दर्शन करने। माँ भी आज दर्शन कर ली। अभी बजने को है गाइस 5, हमारा शाम हो चुका है। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, सीता मन बसियो रे। तो ये रहे हमारे हनुमान जी, हनुमान भैया
कितने ही सुंदर हैं, कितने ही बड़े से हैं। तो आप लोग भी गाइस दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। एक राम के तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो गाइस दिए रहे हैं हमारे माता रानी, हम यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। और इनका जो है यहाँ पे इस जगह पे जो है इनके चरण का छाप मिला था, तो चलिए पूजा कर लेते हैं माता रानी का। और आप सभी भी गाइस दर्शन कर लीजिए शिवलोक धाम के माता रानी का। शुद्ध नहीं लिखा है, जाओ ना। चल तो गाइस अभी हम लोग कुछ यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, लगभग सारे लोग यहाँ पे आकर पिक खिंचवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट में आ रहा है। पूरा बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा, पूरा नेचर दिख रहा है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कुछ पिक हो जाए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं शिवलोक धाम के मनोकामना स्थल पर, जहाँ पे कि हमारा जो भी मनोकामना है यहाँ पे हम लोग मतलब पता कर सकते हैं कि मनोकामना हमारा पूर्ण होगा या नहीं। तो गाइस हम भी यहाँ जा रहे हैं अपने मनोकामना को देखते हैं कि शिव गुरु पूरा करते हैं या नहीं। हम भी इस चीज को करके देखते हैं, अभी तक सुने थे मगर आज जा रहे हैं खुद से करने। तो ठीक है, यहाँ से लगता है देख लो, ध्यान लगा लो। वही ना चीटिंग पकड़ाया उनके, रखिएगा नहीं तो हाथ खोलना ही नहीं। देख लो है पूरा होगा, पूरा आँख बंद था ना, एकदम एकदम कोई चीटिंग नहीं ना। नहीं नहीं कोई चीटिंग नहीं था गाइस। ठीक, तो यहाँ पे सर जा रहे हैं। अरे वाह, इनका भी हो गया। हर हर महादेव गाइस। देखिए नहीं हुआ, आधा अधूरा होगा, कोई बात नहीं है, मैंने पूरा नहीं होगा। शामिल नहीं हुए हैं और पहाड़ में कहीं भी हैं, आरती हो चुकी है, आप लोग कृपया सुबह प्रसादी हो गए गाड़ी। तो यहाँ पर गाइस हम लोग दर्शन के साथ साथ आरती भी कर लिए, शिव बाबा का आरती भी हम लोग आरती में भी शामिल हो गए। इससे बड़ा खुशकिस्मत क्या हो सकता है। तो हाँ, तो बस अब यहाँ पे हो गया, मतलब शाम हो गया है, आरती के बाद यहाँ पे किसी को रहना अलाउड भी नहीं है। तो हम लोग अब चलेंगे यहाँ से घर। सो हर हर महादेव गाइस।